आईटीसी से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है लोगों को, एंड हो भी क्यों ना, जो हमारा निफ्टी 50 है वो मार्च 2020 के लो से ऑलमोस्ट 90-95% एप्रिशिएट हो गया है, और इसके अपोजिट जो हमारा आईटीसी वो अभी भी 2012 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, 200-220 के लेवल के आसपास ही घूमते रहता है। एंड इसी बात के चलते आईटीसी मीम मटेरियल बन गया है, एंड सम ऑफ देम आर ऑन योर स्क्रीन एज वेल, एंड माय फेवरेट इज फ्रॉम इंटरस्टेलर मूवी वेयर ही सेज वन आवर हियर is almost 7 years on earth, and other person is saying great, we will wait here for ITC price to appreciate, and some of them are really really funny and really creative, but the question is what is the problem with ITC? ऐसी कौन सी यूनिवर्स की पावर है जो ITC के प्राइस को appreciate नहीं होने दे रही है? In this episode हम यही सब बातें discuss करने वाले हैं, that what are those things, what are those problems जिसकी वजह से ITC का प्राइस appreciate नहीं हो रहा है, एंड क्या फ्यूचर में सच में आईटीसी का प्राइस सीए लेवल से अप्रिशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड कौन सी ऐसी चीजें प्ले आउट हो सकती है आईटीसी में जो आईटीसी के प्राइस को अप्रिशिएट कर सकती है फ्यूचर में, एंड अगर होने वाला है तो कब होएगा, एंड एम आई इन्वेस्टेड इन आईटीसी और नॉट? सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, if we see the financials of ITC of last several years, तो हमें ये दिखाई देता है कि ITC अपने रेवेन्यू को साल दर साल अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, ITC अपने प्रॉफिट को भी साल दर साल अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, और ITC का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर हम ITC का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो जीरो है, एंड ITC इज वेल कैपिटलाइज्ड कंपनी, एंड अगर हम ITC का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी 30% से ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। तो ऐसा क्या है जो ITC के प्राइस को अप्रिशिएट नहीं होने दे रहा है? एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मेजरली सी थ्री प्रॉब्लम्स विद ITC, वेयर द फर्स्ट वन इज ओवर डिपेंडेंसी ऑन सीक्रेट बिजनेस। ऑल्दो ITC वांट टू बिकम अ फुल फ्लेज FMCG कंपनी, बट अगर हम ITC के लास्ट 30 इयर्स के रेवेन्यू मिक्स में से FMCG सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो फाइनेंशियल 1999 to 2000 में ITC का FMCG सेक्टर से कॉन्ट्रीब्यूशन था 0% रेवेन्यू मिक्स में। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2009 to 2010 में तो FMCG सेक्टर से रेवेन्यू मिक्स था कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सिमेटली 16.6%, और फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 to 2020 अगर हम ITC के रेवेन्यू मिक्स में से FMCG सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है अप्रॉक्सिमेटली 22.5%, विच इज वेरी गुड थिंग, देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बट अगर हम ITC के प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन में से FMCG सेक्टर की बात करें तो दैट इज वेरी वेरी लो, एंड स्टिल ITC का जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट आता है वो आता है सिगरेट सेगमेंट्स में, जहां से ITC के प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन में 84% का कॉन्ट्रीब्यूशन है सिगरेट का। एंड दैट इज वाई ऑल्दो ITC वांट टू बिकम अ फुल फ्लेज FMCG कंपनी, बट अगर हम प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन में देखें तो स्टिल ITC मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट कमाता है सिगरेट से, एंड स्टिल मार्केट ITC को जो सिगरेट कंपनीज है उसका ही वैल्यूएशन दे रहा है, जहां पे अगर हम अदर प्लेयर्स की बात करें सिगरेट बिजनेस से जो सिगरेट सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, तो अगर हम पी रेशियो देखें ITC का ऑलमोस्ट 20-21 के आसपास पी रेशियो चल रहा है, एंड दिस इज सिमिलर टू अदर प्लेयर्स इन सिगरेट सेक्टर। सो द थिंग इज ITC सक्सेसफुली अपने रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन में जो FMCG सेक्टर से रेवेन्यू आता है उसको अच्छे से बढ़ा रहा है और सक्सेसफुली उसे बढ़ाने में कामयाब रहा है, बट इन अपोजिट अगर हम प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टिल मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम सिगरेट सेगमेंट, एंड दैट इज वाई मार्केट इज गिविंग वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू सिगरेट बिजनेस टू ITC, एंड दैट इज वाई जो ITC का प्राइस है वो राइट नाउ अगर हम सिगरेट सेक्टर की बात करें और उसके हिसाब से अगर हम ITC को वैल्यूएशन दे तो इट इज ट्रेडिंग एट रीजनेबली वैल्यूड प्राइस। द सेकंड प्रॉब्लम विद ITC इज ITC का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है FMCG बिजनेस का वो बहुत ही ज्यादा कम है, अप्रोक्सिमेटली 8.9% के आसपास, और इस 8.9% के ITC के FMCG ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम अदर प्लेयर्स से कंपेयर करें FMCG सेक्टर के, जैसे कि HUL, डाबर, मारिको, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे प्लेयर्स से अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रोक्सिमेटली 15-20% के आसपास है, नेस्ले एंड HUL का 20% से ऊपर है, एंड इससे अगर हम कंपेयर करें तो ITC का 8.9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन FMCG सेक्टर से बहुत ज्यादा कम दिखता है, एंड दैट इज वाई ITC को वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाता जो इन सारे प्लेयर्स को मिलता है। बाय द वे अगर आपको ITC के ऊपर डिटेल्ड एपिसोड चाहिए, जहां पे अगर आप रिस्क पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ITC में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या रिस्क है एंड क्या रिवॉर्ड है अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में ITC में इन्वेस्ट करते हो, तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। एंड अगर आप ITC में राइट नाउ इस प्राइस पॉइंट पे डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। इन दोनों की लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इन्हें जरूर चेकआउट करना गाइस। मूविंग अहेड, द थर्ड मेजर प्रॉब्लम विच आई सी इन ITC इज बैड कैपिटल एलोकेशन। अकॉर्डिंग टू मिस्टर वॉरेन बफेट देयर आर थ्री टाइप ऑफ बिजनेसेस, द फर्स्ट वन इज ग्रेट बिजनेसेस, द सेकंड वन इज गुड बिजनेसेस, एंड द थर्ड वन इज ग्रोसम बिजनेसेस।
एंड अगर हम राइट नाउ आईटीसी में देखें तो इन तीनों टाइप के बिजनेसेस आईटीसी में है। जहां पे अगर हम आईटीसी के सिगरेट बिजनेस की बात करें तो इट कम्स इन ग्रेट बिजनेसेस, जहां पे आईटीसी अपने सिगरेट बिजनेस से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाता है, और सिगरेट बिजनेस का अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर हम गुड बिजनेसेस की बात करें तो आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है, आईटीसी का जो पेपर एंड पैकेजिंग का बिजनेस है, और आईटीसी का जो एग्री बिजनेस है, इट बिकम्स गुड बिजनेसेस। एंड जो ग्रूसम बिजनेस है उसमें आईटीसी का होटल बिजनेस आता है, जहां पे इट इज राइट नाउ अ लॉस मेकिंग एंटिटी। एंड पास्ट में आईटीसी ने जो सिगरेट बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया है उस कैपिटल को यूज करके आईटीसी ने कुछ ऐसे बिजनेसेस में डिप्लॉय किया है जहां से जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अच्छा नहीं जनरेट कर पा रहा है आईटीसी। एंड दैट इज वाई राइट नाउ आईटीसी को वो वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है जो वैल्यूएशन इसको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईटीसी का होटल बिजनेस देखें तो इट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, एंड यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है होटल बिजनेसेस का। एंड ऑल्दो आईटीसी इज ग्रोइंग देयर एफएमसीजी बिजनेस नाइसली, बट अगर हम एफएमसीजी बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एज वी डिस्कस्ड इट इज अप्रॉक्सिमेटली 8.9%, विच इज नॉट वेरी ग्रेट। एंड दैट इज वाई आईटीसी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एफएमसीजी सेक्टर का, इट इज ऑल्सो वेरी लो। तो ये तो हो गए प्रॉब्लम्स जो आईटीसी में है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड आईटीसी का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, एंड क्या आईटीसी का प्राइस यहाँ से एप्रिशिएट हो सकता है या नहीं, एंड इफ हो सकता है तो ऐसे कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं जो आईटीसी के प्राइस को यहाँ से एप्रिशिएट कर सकते हैं फ्यूचर। सो इफ यू हैव सीन माय दिस एपिसोड जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि ऐसे कौन से पोटेंशियल ट्रिगर प्ले आउट हो सकते हैं किसी भी कंपनी में जो किसी भी कंपनी के अर्निंग्स को बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाएगा, और इसकी वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही लंबे समय के लिए इंप्रूव हो सकता है, एंड इस इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखा सकता है, एंड इन सम केसेस ये शेयर प्राइस मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकता है। सो इफ यू हैवंट सीन माय दिस एपिसोड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ये एपिसोड मेरा जरूर चेकआउट करना चाहिए। बट इस एपिसोड में से अगर हम ऐसी तीन चीजों की बात करें जिसकी वजह से आईटीसी की जो री रेटिंग है वो हो सकती है, तो ऐसी तीन चीजें मेरे हिसाब से ये निकल के आती है, वेयर द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लिवरेज, द सेकंड वन इज प्रोडक्ट मिक्स चेंज, एंड द थर्ड वन इज डीमर्जर। एंड यहाँ पे अगर हम फर्स्ट थिंग की बात करें विच इज ऑपरेटिंग लिवरेज, तो आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ही अच्छे से प्ले आउट हो सकता है। जहां पे अगर हम ग्रोथ की बात करें आईटीसी के रेवेन्यू की एफएमसीजी सेक्टर से, तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है, जहां पे लास्ट 10 इयर्स में आईटीसी ने अपने रेवेन्यू को 4x तक ग्रो किया है, विच इज क्रेजी। एंड इस ग्रोइंग रेवेन्यू की वजह से आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ही अच्छे से प्ले आउट हो सकता है, जहां पे जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड रहता है, एंड जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वही वेरी करता रहता है, और इसी वजह से जब किसी भी बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगता है तो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाता है, एंड इसी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपांड हो सकता है। और इस पर्टिकुलर थिंग की वजह से आईटीसी का जो प्रॉफिट मार्जिन है एफएमसीजी सेगमेंट से वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है, और इसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में आईटीसी का जो पी रेशियो है वो रीरेट हो सकता है और आईटीसी को एक बेटर वैल्यूएशन मिल सकता है। द सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट मिक्स चेंज, जहां पे अगर हम आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो आईटीसी वॉज फुल फ्लेज सिगरेट बिजनेस, पर तब से अब तक आईटीसी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, एंड राइट नाउ अगर हम रेवेन्यू देखें तो आईटीसी का 22% जितना रेवेन्यू आता है एफएमसीजी अदर सेगमेंट से, एंड इसकी वजह से जो आईटीसी का जो रेवेन्यू है वो तो अच्छे से ग्रो हो रहा है एफएमसीजी सेक्टर से, बट इन ऑपोजिट हमें देखना है कि क्या प्रॉफिट भी आईटीसी ग्रो कर पा रहा है या नहीं एफएमसीजी सेक्टर से, एंड क्या आईटीसी के जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है उसमें जो एफएमसीजी सेक्टर से जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है वो बढ़ रहा है या नहीं आने वाले फ्यूचर में। एंड इन फ्यूचर आफ्टर 2-3 इयर्स अगर आईटीसी का जो प्रॉफिट मार्जिन है स्पेशली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एफएमसीजी सेक्टर से वो डबल डिजिट में आ जाता है, 15-20% की रेंज में आ जाता है, और इसकी वजह से आईटीसी का जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है उसमें 20% के आसपास आईटीसी का जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो आईटीसी का रीरेटिंग हो सकता है आने वाले फ्यूचर में और आईटीसी का शेयर प्राइस यहां से एप्रिशिएट हो सकता है। द थर्ड एंड फाइनल थिंग विच कैन प्ले आउट इन आईटीसी इज डीमर्जर, जहां पे अगर आने वाले फ्यूचर में आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को डीमर्ज कर देता है तो जो इन्वेस्टर्स सिर्फ आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो डायरेक्टली आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इसकी वजह से आईटीसी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए वैल्यू क्रिएट हो पाएगी। इन तीनों चीजों को अच्छे से प्ले आउट होने में आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी और 2-3 साल लग सकते हैं, एंड एज अ डिस्क्लोजर आई एम इन्वेस्टेड इन आईटीसी एंड इट इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन और स्टॉक टिप्स। एंड एज अ कंक्लूजन आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि अगर आप आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो आईटीसी में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, जहां पे आपको मेजर थिंग्स वो देखनी है कि क्या आईटीसी में ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड आईटीसी अपने एफएमसीजी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को डबल डिजिट तक लेके जा सकता है या नहीं आने वाले फ्यूचर में,
15-20% अगर आईटीसी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर जा सकता है एफएमसीजी बिजनेस में, तो आई थिंक आईटीसी का जो पी रेशियो है वो रीरेट होना चाहिए और आईटीसी को एक बेटर वैल्यूएशन मिलना चाहिए फ्यूचर में। एंड ऑल्सो अगर इन फ्यूचर आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को अलग से लिस्ट कर दे, देन दैट इज ऑल्सो गुड थिंग विच कैन हैपन इन आईटीसी। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू टू विद मी इन दिस एपिसोड। As always, do like this episode and subscribe to my channel. And do share this episode with all the ITC investors. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter. And also, Discord server भी जरूर join कर लेना, वहाँ भी हम कभी कभार interaction किया करेंगे. On that note, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए episode में, तब तक के लिए goodbye.